क्लास, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्लोथिंग आइटम्स लेकर आई हूँ जो बहुत खूबसूरत तो हैं ही और ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स पे भी उतने ही जचेंगे जितने कि मैरिड वुमेन पे। इस वीडियो में होंगे कुर्ताज, कुर्ता सेट्स, बेबी कुर्ता सेट, धोती पैंट एंड ड्रेस। तो मैं कुर्ते के साथ स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो जो मेरा पहला कुर्ता है वो है आजियो से। तो ये है प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता विद जरी एम्ब्रॉयडरी। तो इसके नेक पे जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे जरी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है और इसके स्लीव पे भी ऐसे जरी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। बाकी जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारा फॉल प्रिंट है। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। इसे मैंने एम साइज में मंगाया है जो मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है। मैं नॉर्मली एम साइज ही मंगाती हूँ जिसमें किसी ब्रांड में परफेक्टली फिट हो जाता है तो किसी में स्लाइटली लूज भी हो जाता है, पर फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस कुर्ते की प्राइस है 1999 रुपीज़, पर ये मुझे मिला है 600 रुपीज़ में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके प्राइस के हिसाब से। जो इसका मटेरियल है और जो इसका लुक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसके प्लस पॉइंट्स में से एक पॉइंट है कि इसमें एक पॉकेट दिया हुआ है जो बहुत गहरा तो नहीं है। इसमें आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं अपनी जो आपके एकदम से यूज़ की हैं, रुमाल हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया, काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। दूसरी साइड पे पॉकेट नहीं है। इसकी जो जरी की एम्ब्रॉयडरी दी हुई काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसमें कितनी शाइन है अगर आपको ऐसे दिख रहा होगा तो इसमें काफ़ी अच्छी शाइन है और ये कपड़ा भी काफ़ी अच्छा शाइनी सा है जो कि एक बहुत अच्छा लुक दे रहा है। उसमें मेंशन किया हुआ था कि ये पॉलिस्टर का कपड़ा है, पर अगर आपने दीपिका पादुकोण का जो ब्रांड है ऑल अबाउट यू उसके कुर्ताज पहने होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो एक बहुत ही फाइन क्वालिटी के पॉलिस्टर को यूज़ करते हैं और ये उसके जैसा ही पॉलिस्टर लगा मुझे। इसमें एक और प्लस पॉइंट है जो इसमें डार्ट्स दिए हुए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसका डार्ट है यहाँ पे, और मुझे डार्ट वाले कुर्ताज बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उनकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है। आप पहनेंगे तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बैक में ऐसा पूरा प्लेन है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, पर इस प्रिंटिंग के कारण लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये था मेरा पहला प्रोडक्ट। अब मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्रिंटेड फ्लेयर कुर्ता विथ स्लिप पॉकेट। इसकी 1799 रुपीज़, पर ही मुझे 600 रुपीज़ में मिला है। ये भी मुझे 600 रुपीज़ में ही मिला है। ये भी मैंने एम साइज में मंगाया है। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसकी फ्लेयर काफ़ी अच्छी है। इसके बटन प्लैकेट शॉर्ट है और उसके बाद नीचे से स्कर्ट शुरू हो रही है तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ये 3/4 स्लीव है और इसमें ये अच्छी सी पाइपिंग दी हुई है कॉन्ट्रास्ट कलर की, जो ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा आपको, पर वैसे काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये पाइपिंग के कारण। तो इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और इसमें एक पॉकेट भी है ये। तो इसकी पॉकेट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, पर ये अच्छी अच्छी गहरी है जिसमें आप कुछ थोड़े अपने ज़रूरत के सामान रख सकें, हैंकी वगैरह, पर इस साइड में कोई पॉकेट नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा बटन भी दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छी बात है। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। इसका जो कपड़ा है ये कॉटन, कैम्ब्रिक कॉटन है। अब मैं आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये मिंत्रा से है। ये जिस ब्रांड की तरफ से है वो है मोडा रैपिडो। ग्रे कलर की है ऐसा उसमें लिखा हुआ था, पर ये थोड़ा ब्राउनिश काइंड ऑफ ग्रे है। इसकी प्राइस है 1199 रुपीज़, पर ये मुझे 589 रुपीज़ में मिला है। ये भी मैंने एम साइज में ही मंगाया है। इसकी साइड में कोई स्लिट नहीं है, पर साइड पर ऐसा मैंसन किया हुआ था कि इसकी साइड में स्लिट्स हैं। ये 100% कॉटन है और इसमें कुछ बटन डिटेलिंग्स दी गई हैं जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ये जो नेक है ये बंद गले वाला लुक देता है और इसको पीछे में एक नॉचते के बटन लगाया हुआ है, इसका भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। और ये बैक में कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसके।
मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है ये भी आजियो से है। ये है बीबा फ्लेयर कुर्ता विद चूड़ीदार एंड दुपट्टा। इसकी प्राइस है 4595 रुपीज़ पर ये मुझे 1838 रुपीज़ में मिला था। इसमें मैंने 36 साइज मंगाया है। एक्चुअली मुझे लगा 36 मुझे फिट आ जाएगा पर ये मुझे काफ़ी लूज़ है। अगर आप बीबा के कुर्ताज पहनते हैं तो आपको आइडिया होगा कि कभी उसका 36 काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है तो कभी उसका 36 फिट भी आता है और कभी लूज़ भी हो जाता है। तो मुझे लगा था कि मुझे 36 फिट आएगा पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ है तो मैंने इसे एक्सचेंज में लगाया है। टिल इसका जो लास्ट डेट है अगर तब तक एक्सचेंज मुझे नहीं मिल पाया मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं हो पाया तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी। ये जो आप देख रहे हैं इसके योक पार्ट में पूरा जड़ी का काम किया हुआ है, ये प्रिंट नहीं है। ये इसके साथ में एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है और इसके पीछे में ऐसे डोरी भी दी गई है जिसमें ऐसे लटकन लगा के दिया हुआ है। काफी लंबी और अच्छी डोरी है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये फॉयल प्रिंट है, ये कोई काम नहीं किया हुआ। ये यहाँ नीचे में ऐसे बॉर्डर दिया गया है फॉयल प्रिंट का। काफी ज्यादा इसका घेर है, मैं आपको इसको पूरा खोल के दिखाऊंगी पर अभी मैं ऐसे डिटेल में इसको बता दे रही हूँ। इसके अंदर में कोई लाइनिंग नहीं दी गई है एक्स्ट्रा। इसके फ्रंट में यहाँ पे डार्ट्स दिए गए हैं। मुझे पर्सनली डार्ट्स वाले कुर्ती या कुर्ते सेट्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसके राउंड नेक के साथ में यहाँ पे नॉच दिया गया है और साथ ही यहाँ पे दो बटन्स भी दिए गए हैं। तो अब हम पजामा देख लेते हैं। ये जो पजामा है ये जो कुर्ते की कॉटन फैब्रिक है ये वो फैब्रिक नहीं है, ये लेगिंग्स वाला फैब्रिक है पर लेगिंग्स से ये थोड़ा स्टिफ है, उतना ज्यादा स्ट्रेची नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा कि इसका लुक ओवरऑल कॉटन के कपड़े जैसा ही आता है पर ये मटेरियल थोड़ा लेगिंग्स काइंड ऑफ है। इसका इलास्टिकेटेड वेस्ट दिया गया है और साथ ही एक डोरी भी दी गई है। तो ये था पजामा। ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी की चौड़ाई काफी अच्छी है। ये इसमें जो भी आप देख रहे हैं ये सारा फॉयल प्रिंट दिया हुआ है। इसके चारों तरफ से ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है और चारों तरफ ऐसे लटकन छोटे छोटे लगाए हुए हैं। ये भी कॉटन के कपड़े के ही लटकन है, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जो चुन्नी है इसकी पूरी लंबाई 2 मीटर और 38 सेंटीमीटर है जो कि एक नॉर्मल चुन्नी की लंबाई से करीब करीब 12 सेंटीमीटर ज्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी चुन्नी इतनी लंबी है। इसकी पूरी चुन्नी पे इस तरह काम दिया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी लंबाई चौड़ाई काफी अच्छी है। प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ में छोटी छोटी लटकन भी दे रहे हैं, ये इसको और ब्यूटीफुल बनाता है। अब मैं आपको कुर्ते का पूरा लुक दिखाती हूँ। ये है इसका घेरा, इसमें इतना अच्छा घेर है कि मेरे किंग साइज के बेड पे इस छोर से लेके उस छोर तक है। और ये है इसका पूरा लुक। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कुर्ता सेट है। ये सेट इमारा का है, इमारा एम्ब्रॉयडर्ड राउंड नेक कुर्ता सूट सेट। प्राइस है इसकी 3499 रुपीस पर ये मुझे मिला है 1050 रुपीस में ये पूरा सेट। और इसमें मैंने एल साइज मंगाया है क्योंकि ये जो चंदेरी के जो कपड़े होते हैं ये काफी टाइट काइंड ऑफ फिटिंग देते हैं तो जिसके लिए मैं अगर इस तरीके के कपड़े में कुछ मंगा रही हूँ तो मैं एक साइज बिगर मंगाना पसंद करती हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ता। तो ये फुल लेंथ स्ट्रेट कुर्ता है जिसके साथ में ऐसे साइड स्लिट्स दिए हुए हैं। चंदेरी सिल्क इसका मटेरियल है कि स्लीव्स के एंड में और ऐसे नेक पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। इसके अलावा इसमें कहीं भी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है पर इतनी ही एम्ब्रॉयडरी इसमें काफ़ी अच्छा लुक ऐड कर रही है। इसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है और ये मुझे बहुत ही अच्छा, पर इसकी लाइनिंग कॉटन की नहीं है, ये कॉटन नहीं है पर ये पोक करने वाला कपड़ा भी नहीं है, ये काफी कंफर्टेबल रहेगा ऐसा मुझे लगता है। और ये इसका बैक है जो कि बिल्कुल प्लेन है पर इसकी गले पे पाइपिंग दी हुई है चारों तरफ से पूरे में तो ये एक अच्छा लुक ऐड कर रही है इसमें। तो अब हम बढ़ते हैं दुपट्टे की तरफ। तो इसका जो दुपट्टा है ये आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है पर मैं पिक्चर डाल दूंगी। साइट पे मैंने जो पिक्चर देखा वो बिल्कुल सेम लग रहा था। मैंने भी इसकी पिक्चर लेने की कोशिश की कि मैं बात करूंगी कस्टमर केयर से इसकी पिक्चर लेके, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे भी कैमरा में रेड ही दिख रहा है तो ये ऐसा ही आया होगा। मैंने इसको ट्राई करके देखा और इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है इसके बावजूद कि ये रेड कलर नहीं है, ये थोड़ा पीचीज काइंड ऑफ
रेड है पर इसका लुक काफी अच्छा आ रहा है। दुपट्टा अच्छी लेंथ का है, ये 2.25 मीटर्स का दुपट्टा है। दुपट्टे के चारों ओर लेस दिया हुआ है जिससे काफी अच्छा लुक आ रहा है। दुपट्टे का मटेरियल काफी अच्छा है, सॉफ्ट है, ये काफी अच्छा फील दे रहा है टच करने पे। तो ये है इसका पैंट, भी काफी अच्छी फिटिंग का है, इस काफी अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक दिया हुआ है इसके वेस्ट पे और ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग भी लगाई हुई है। ये देखने में ऐसे काफी चौड़ा चौड़ा लग रहा होगा पर इसकी फिटिंग काफी अच्छी है। ये कुर्ते का मटेरियल था चंदेरी, ये उसी तरह का मटेरियल है, ये बिल्कुल भी वॉक नहीं कर रहा था। मैंने जब इसको ट्राई किया, इसको पहन के मैं कुछ देर रही भी ताकि मुझे पता चले ये कपड़ा मुझे इरिटेट कर रहा है या नहीं, या पोक कर रहा है या नहीं, बट ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें, ये काफी कंफर्टेबल था। तो अब मैं इसका पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है ये मैंने आज ही से मंगाया था, ये है कुर्ता पजामा सेट। ये शेवरॉन पैटर्न कुर्ता पजामा सेट है, ये 799 रुपीस का पूरा सेट है पर ये मुझे ऑफर में 268 रुपीस का मिला था। ये केबी टीम स्पिरिट की तरफ से है तो हम इसे देख लेते हैं। ये पजामा है इसका नेवी ब्लू और ये थोड़ा ऑरेंजिस रेड कलर टाइप का ये कलर है कुर्ते का। ये 100% कॉटन मटेरियल है और ये भी 100% कॉटन मटेरियल है, ऐसा मेंशन किया हुआ था वहां। ऐसे टच में भी मुझे लग रहा है कि 100% कॉटन मटेरियल है। इसकी फिटिंग काफी अच्छी मुझे ऐसे देखने में लग रही है, आई थिंक पहनाने पे भी ये उतनी ही अच्छी फिटिंग का होगा। इसका अगर आपको दिख रहा होगा तो सेल्फ डिजाइन पैटर्न इसमें दिया गया है। इसके दोनों साइड में पैकेट्स दिए हुए हैं। लेंथ इसकी काफी अच्छी है, स्लीव्स इसके फुल है, पूरी अच्छी तरह से हैंड कवर हो जाएंगे। इसकी मैंड्रिन कॉलर है। इन क्लोथ्स को अभी मैंने सैनिटाइज ही किया है, धुला नहीं है। ये मैंने 2 to 3 years में मंगाया है। तो अब पजामा देख लेते हैं। ये है इसका पजामा, थोड़ा सा मुझे लंबा जैसा लग रहा है। ये ऐसे इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ में आता है, इसके साथ में ऐसे डोरी भी दी गई है अगर ये लूज हो तो उसको सिक्योर करने के लिए। ये थोड़ा सा सी थ्रू फैब्रिक मुझे लग रहा है अगर आपको दिख रहा होगा तो, पर ये कैसा है ये धुलने के बाद ही पता चलेगा। तो ये था प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है ये भी आदियों से है और ये इकलौता पैंट प्रोडक्ट है। तो ये है एंकल लेंथ धोती पैंट्स विद एम्ब्रॉयडर्ड हेम। तो इसके यहाँ नीचे में हेम लाइन पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है रेड कलर की जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और ये है लाइक हाफ में इतना अच्छा घेर दिख रहा है और ये फुल में तो और भी अच्छा इसमें घेर आता है। मैंने एक्चुअली जब ये मॉडल को देखा था पहने में तो मुझे ये पटियाला काइंड ऑफ लुक ही दे रहा था, इसीलिए मैंने इसे पर्पसली मंगाया है, थोड़ा लाइक लॉन्ग कुर्ते के साथ पहनने के लिए जो कि पटियाला के साथ काफी अच्छा लगेगा। इसकी प्राइस है 1299 रुपीज पर ये मुझे 390 रुपीज में मिला है। मैंने इसमें एल साइज मंगाया था क्योंकि वहां वही साइज ही अवेलेबल था, बाकी सारे साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, पर फिर भी ये मुझे लाइक ये मुझे अच्छा फिट हो रहा है। ये लूज भी नहीं है और ये मुझे टाइट भी नहीं है और ये हल्का सा मुझे सी थ्रू जैसा लग रहा है इसका मटेरियल। ये 100% कॉटन है। अब मैं इसका पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये मिंत्रा से, ये है ब्रांड सासा फरास से विद अकॉर्डियन प्लीट ए लाइन ड्रेस। प्राइस है इसकी 1599 रुपीज पर ये मुझे 749 रुपीज में मिला। मैंने सेफ साइड में इसे एल साइज का मंगाया है, साइज में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसीलिए। इसकी जो ये प्लीट्स हैं क्रिस्प प्लीट, काफी अच्छा लुक आ रहा है इससे। इसके नीचे में जो हेम दी गई है ये फ्लेयर्ड हेम है। इसका जो मटेरियल है पॉली क्रेप और इसमें जो ये बेल्ट दी गई है ये भी उसी मटेरियल की है ये, और इसका जो बकल है ये प्लास्टिक का है।
यहाँ साइड में एक लूप भी दिया हुआ है जिसमें इसको बेल्ट को आप सिक्योर कर सकते हैं। इसके जो कॉलर का स्टाइल है इसको पीटर पैन कॉलर बोलते हैं और ये काफी अच्छा लुक देता है इस पूरे ड्रेस में। यहाँ पे बटन क्लोजर्स हैं, इसकी पफ स्लीव्स हैं और यहाँ पे इलास्टिकेटेड बैंड दिया हुआ है जिससे कि ये काफी अच्छा लुक दे रहा है। इसमें एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये पीछे में इसके कोई बेल्ट नहीं दिया हुआ है, लाइक ये बेल्ट बस आगे आगे तक ही है, पर ठीक है ये ऐसे आगे से काफी अच्छा लुक दे रहा है। तो अब मैं इसका पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये थे मेरे आज के प्रोडक्ट्स। अगर इनका रिव्यू आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।